हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं वेल्सपन इंडिया के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले 20 जून 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेल्सपन इंडिया में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 2.07% एक नेगेटिव मूव देखने मिला है। 92.35 पे क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला था। यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज सा हमें वॉल्यूम एवरेज से भी कम थोड़ा हमें वॉल्यूम देखने वाला है। कैंडल यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए दोनों के समय बारीक बारीक वीक देखने मिल रहे हैं। आरएसआई की बात जो 40-49 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे न्यूट्रल यानी कि दोनों साइड का इशारा दे रहा है। इसके वजह से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ चाहे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो एक नेगेटिव मूव का है। थोड़ा सा नेगेटिव मूव हमें 91 तक आते हुए देखने मिल सकता है, उसको क्रॉस कर देगा तो मूवमेंट हमें जो है 88.6 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी यहाँ पे स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक अभी भी आपको जो अराउंड 89.8 के आसपास अगर दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर वहाँ पे बाइंग करें। वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के जाते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी है करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक का आराम से गिरने दे। स्टॉक अभी भी आपको जो है यहाँ पे अराउंड 79.3 के आसपास आते हुए देखने में जरूर वहाँ पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया बाइंग कर ले, लेकिन क्योंकि लॉन्ग टर्म का ले तो 100% कैपिटल नहीं डालना है, 20-25% तक आप कैपिटल डालें। बाकी का कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतने बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आवर के चार्ट में बात करते हैं मंडे के दिन की क्लोजिंग के बेसिस पर ट्यूजडे के दिन क्या होने वाला है। यहाँ पे वन आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस मार्केट नीचे के साइड में थोड़ा डेटा डिफरेंट बना उसको मैं मार्क करके रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरीडे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की तो 92.35 के आसपास यहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 91.50 का, डायरेक्ट रेजोन आता है 92.80 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक कल के दिन घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो ऐड किया, उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 90.50 का, उसके बाद क्या 88.75 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 94 का, उसके बाद क्या 95.40 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है। 92.80 से लेकर 94 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।